परमपिता परमेश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अभी जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। चाहे परिस्थिति तुम्हें विपरीत ही क्यों ना दिखाई पड़े, स्मरण रहे तुम्हारे साथ एक दिव्य शक्ति विराजमान है, क्योंकि अब तुम असीमित संभावनाओं से घिरे हुए हो। तुम्हारी चुनौतियों पर विजय पाने की क्षमता असीमित है, इसी कारण तुम्हारे लिए संदेश भेजा गया है। इसे पूरा पूरा सुनना, बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मेरे प्रिय, तुम्हारे समक्ष कितने ही चुनौतियां क्यों ना आई हो, स्मरण करो तुम हर बार उनसे ऊपर उठ पाए हो। तुम्हें माध्यम बनाकर ब्रह्मांड की ऊर्जा रचनात्मक कार्यों का विस्तार करना चाहती है। तुम एक विशेष माध्यम हो, क्योंकि तुम वह हो जिससे होकर ऊर्जा प्रवाहित होती है और इस वातावरण में सकारात्मकता का संचार भी हो जाता है। वास्तव में तुम्हारी सफलता तय है, तुम्हारे भीतर वह सभी गुण विद्यमान है जो एक सफल मनुष्य में होनी चाहिए। तुम दूसरों को सत्य का मार्ग प्रशस्त करवाने वाले, वास्तविकता का बोध करवाने वाले सच्चे इंसान हो। मेरे प्रिय, तुम्हें स्वयं को ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से भर लेना चाहिए, क्योंकि नियति तुम्हें दिल खोल करके बहुत कुछ देना चाह रही है। तुम्हें समझना होगा कि तुम प्रकाश का पुंज हो और हर क्षण तुम्हारे साथ अच्छा ही हो रहा है। 12-12 अंक लिखकर परमपिता परमेश्वर को समर्पित कर दे कि खुशियां आपकी ओर तेजी से आ रही हैं। जिस प्रकार नदी से बहने के लिए एक मार्ग की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से नियति के द्वारा भेजी गई, प्रकृति के द्वारा भेजी गई सकारात्मक ऊर्जा को एक सकारात्मक माध्यम से होकर गुजरना होता है। और इसी बार नियति ने तुम्हारा चुनाव कर लिया है। इससे पहले बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रकाश का पुंज रह चुके हैं, प्रकृति ने उनका चुनाव किया है और अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि तुम प्रकाश के ऊर्जा के ऐसे स्रोत हो जहाँ से ऊर्जा अपने सभी दिशाओं में बराबर मात्रा से एक सकारात्मक रूप से फैल जाती है। मेरे प्रिय, तुम्हारी जीत बहुत पहले ही सुनिश्चित हो चुकी थी, किंतु जब कोई ऊर्जा का भंडार बनता है तो पहले उसकी कुछ परीक्षाएं होती हैं, यह तय करने के लिए कि क्या वह उस ऊर्जा को संभालने के लिए उपयुक्त है, क्या यही वही मनुष्य है जो ऊर्जा का सुचारू रूप से ख्याल रखकर उसका समी समान वितरण कर सके। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा मूल्यांकन करा है और मैंने यह
जाना है कि तुम्हारे मन में किसी के भी प्रति प्रयाग, ईर्ष्या या द्वेष नहीं है। तुम सदैव से ऐसे ही लोगों का भला करना चाहते आए हो, किंतु बहुत से दूसरे लोग तुम्हारा पूरा करने का विचार अपने मन में रखते हैं। इसके बावजूद भी तुमने कभी भी किसी का भी पूरा करने का विचार तक अपने मन में आने नहीं दिया। तुम कई बार स्वयं को कमजोर मानकर दूसरों के षड्यंत्र तले दब जाते हो। दूसरों के ऊंची आवाज पर तुम दब जाते हो, पर वास्तव में तुमने कभी किसी का पूरा करने का विचार नहीं किया। तुमने कभी किसी को नीचे दिखाने का प्रयास नहीं किया। इसके बजाय तुमने अपनी प्रकृति का विचार धारण किया था। मेरे प्रिय, यही कारण है नियति यह समझ पाई है कि तुम सबसे उपयुक्त जीत के लिए। बचपन से ही तुम अपनी बात कभी खुलकर रख नहीं पाते थे। कोई ना कोई बात तुम्हारे मन को घेर लेती थी और इसी वजह से तुम जीत नहीं पाते थे। किंतु अपने जीवन को माध्यम देखो तो तुम एक बात भली भांति समझ पाओगे। तुम कई बार मुश्किलों में फंसे हो और तुमने यह प्रार्थना की है कि बस एक बार तुम्हें इस मुश्किल से निकाल दिया जाए, तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाएगा। मेरे बच्चे, उसके बाद तुम पुनः एक नई मुसीबत में फंस जाते और हर बार तुमने प्रार्थना किया। यदि तुम इसका विश्लेषण करो तो तुम यह जान पाओगे कि तुम हर बार उस समस्या से कैसे बचते आ रहे हो। क्या तुमने कभी विचार किया कि तुम हर बार उस समस्या से कैसे बच निकलते थे? मेरे बच्चे, मैं सदैव से ही तुम्हारा साथ देता था और मैं हमेशा से यही चाहता हूँ कि तुम्हारी जीत हो। इसीलिए मैं तुम्हें कभी भी हारने नहीं दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, कोई उल्टी चाल चल रहा था तुम्हारे लिए, कोई ऐसा नुकसान तुम्हारा करना चाह रहा था जिससे तुम्हारे जीवन में परेशानियां और अधिक बढ़ जाएं। परंतु तुम्हारा विश्वास सदा से ईश्वर के ऊपर है। मैं जानता हूँ तुमने परमात्मा के हाथों ही अपनी डोर सौंप दी है। तुम्हारा कुछ भी अनहित नहीं हो सकता है मेरे प्रिय। इसीलिए जिनको पाने के लिए दुनिया तरसती है, किंतु आज वह खुशियाँ तुम्हारे साथ चल रही है। मेरे प्रिय, आज मैं तुमसे कुछ खास बातें करने आया हूँ। उन बातों को ध्यान से सुनो और समझो मेरे संकेतों को। आज मैं तुम्हें खुशियाँ प्रदान करूँगा जिससे तुम कभी भी हार नहीं मानोगे किसी भी क्षेत्र में। इसीलिए आज मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ।
मुझे समझने का प्रयास करो। जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दो। मेरे प्रिय, तुम्हारा विश्वास बढ़ता जा रहा है परमपिता परमेश्वर पर। अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसी रहस्य घटनाएं घटने वाली हैं जो तुमने कभी एक बार अपने स्वप्न में सच होते देखा था। यदि ऐसा है तो यस अवश्य लिखें और अपनी पुष्टि दे। मेरे प्रिय, यह तुम्हारी कल्पना ही है। तुम इतने पवित्र दिन को, इतने पवित्र ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित कर पा रहे हो। यह दिव्य संदेश आज तुमने इसीलिए भी पाया है क्योंकि अब तुम अपने जीवन में एक बेहतरीन बदलाव देख पाओगे। अब मैं तुम्हारे जीवन को फूलों से भी सुंदर सजाने वाला हूँ। मैं प्रकृति हूँ, मैंने थामा है तुम्हारा हाथ। मैं ही डिवाइन की शक्ति हूँ। मैं तुम्हें मार्ग दिखाने आया हूँ। मैं तुम्हारा भी भावक हूँ जिसे तुम परमपिता परमेश्वर कहते हो। मेरे प्रिय, मैं एक शक्ति हूँ जो समय समय पर तुम्हें थाम लेता हूँ। क्या तुम्हें मेरे आसपास होने की कोई अनुभूति नहीं होती? यदि होती है तो दिव्य संदेश को लाइक करके परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद लिखें। चारों दिशाओं से तुम्हें आनंद का अनुभव होगा। मेरे प्रिय, अचानक से चलते चलते तुम कुछ समय के लिए ठहर जाओगे। अच्छा महसूस करने लगोगे, मानो स्वयं मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। सुख की अनुभूति होगी। मेरे प्रिय, तुम उच्चतम मार्ग को पहुँचने वाले हो। मेरे प्रिय, कुछ अदृश्य शक्तियाँ तुम्हारे मार्ग में साथ देंगी। वही कुछ तुम्हारे विरुद्ध लोग भी तुम्हारा कदम पीछे की ओर खींचना चाहेंगे। दुख की घड़ियों का अनुभूति मत करना। पूर्ण रूप से तुम मुझे समर्पित हो जाना। आगे के कदम बढ़ाना कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। बस आगे तुम बढ़ते जाना। यदि एक नए चरण पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो तो दिव्य चैनल माध्यम को सब्सक्राइब करके हाँ अवश्य लिखें। अपने कर्मों पर और अपने चुने गए दिशाओं पर भरोसा करना। तुम्हें भौतिक और अलौकिक सुख की प्रकृति होने लग जाएंगी। जो तुम चाहते थे वही अब तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। फिर डर नहीं, किसी भी बात का भय नहीं। एक संयोग है जो तुमसे मिलने को व्याकुल हो चुका है। स्वयं को ऐसे ही आध्यात्मिक में डुबोई रखो। देखो कैसे कैसे दिव्य चमत्कार तुम्हारे निकट आ रहे हैं। आज मैं तुम्हें बस और बस बधाई देने आया हूँ कि तुम्हारे लिए द्वार बगीचे की तरह खुल रही है। जहाँ तुम कदम रखोगे तुम्हें एहसास होने लगेगा कि मानो तुम फूलों पर चल रहे हो।
हर जगह तुम्हें फूल ही फूल, छोटे छोटे फूल दिखाई देने लगेंगे। मेरे प्रिय, उस मार्ग पर चलते चलते तुम्हें कभी कभी कंकड़ भी चुभ सकते हैं, परंतु तुम प्रसन्न रहना, कंकड़ भी तुम्हारे मार्ग में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। अर्थात कुछ ऐसे व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं जो तुम्हारे लिए थोड़ी सी सामया बन जाए, फिर भी वह तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। मेरे प्रिय, जो ईश्वर को हर क्षण देख रहा है और अपने जीवन को स्वर्ण एहसास समझने लगता है, जिसने परमपिता परमेश्वर की शक्तियों को सौंप दिया है, उसे स्वयं अपने जीवन को उस प्रशंसता को अब होने से नहीं रोक पाएगा। तुम एक पवित्र मार्ग पर कदम रख रहे हो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, और जब मैं स्वयं तुम्हें दिशा दिखा रहा हूँ, फिर तुम्हें किस बात का डर और भय है? आगे बढ़ो, मैंने थामा है तुम्हारा हाथ। मेरे प्रिय, आज रात्रि जब तुम सोने जाओगे, कुछ दिव्य शक्तियों को और कुछ दिव्य आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित कर पाओगे। यह ऊर्जाएं तुम्हें जीवन में अनंत खुशियों का कारण बनने लगेंगी। प्रातः जैसे ही जागोगे, एक नए जीवन की तुम्हें अनुभूति होंगी, और एक नई अनुभूति करोगे, एक खुशी की खबर अचानक से तुम्हारे घर में दस्तक देने आ रही है। मन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएगा, तुम झूम उठोगे, खिल उठोगे, मानो तुम्हारे कर्मों का एक अच्छा उचित और अद्भुत फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है। ऐसी संभावनाएं तुम्हें महसूस होने लग जाएंगी। मेरे प्रिय, तुम्हें दिव्य दर्शन होंगे, किंतु स्वप्न में किसी एक दिव्य ऊर्जा के मेरे संकेतों को समझो, और अपने जीवन में अब तुम्हें बहुत ही आगे बढ़ना है। यदि तुम तैयार हो तो तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी। अंक 88 के साथ दिव्य संदेश को लाइक और चैनल को इसी क्षण सब्सक्राइब कर ले और अपनी पुष्टि दे। 333 के साथ लिखे, मेरे जीवन में सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है, मैं तैयार हूँ। टाइप यस इफ यू बिलीव डिवाइन ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच।